स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटे को दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ये खूबसूरत बैक नेकलाइन किस तरीके से बनाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे पास चार डिज़ाइन के कपड़े हैं। ये एक जाली है और ये उसका कंट्रास्ट है, ये ब्लू कलर का और ये उसका कंट्रास्ट। ये चारों के वेस्टेज कपड़ों से हम बनाएंगे एक खूबसूरत बैक नेकलाइन। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो हम हमेशा करते हैं एक नॉर्मल सा ब्लाउज नेकलाइन। ये देखिए शोल्डर हमने 12 इंच लिया, चेस्ट 36 इंच, उसका चौथा भाग 9 इंच और कमर 30 इंच, उसका चौथा भाग 7.5, बाकी सब एक्स्ट्रा। ये देखिए हमने कटिंग कर दिया इसे। चलिए अब इस पर डिज़ाइन बना लेते हैं हम। ये देखिए एक बूम की तरह दिखने वाला एक डिज़ाइन अभी काफ़ी चल रहा है वो, और ये हम डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए ये बूंद की तरह दिखने वाला ये डिज़ाइन, और ऊपर से बोट नेक और नीचे से बूंद। ये देखिए ये ओरेप का कपड़ा है, ये तिरछी कटी हुई है, आप भी तिरछी काटें। चलिए इसे शेप करके हम एक पट्टी निकालेंगे करीब 1 इंच की। ये देखिए 1 इंच चौड़ा है ये। ये अब हम ऊपर से लगाना चालू करेंगे इसे। ये देखिए डबल करके, इसे उल्टी साइड से लगाना चालू करें, ये पलट कर सीधी साइड आ जाएगी। ये देखिए वहाँ पे कोना सा बना हुआ है, कोने पे बस आप सीधे सीधे घूम जाए, वहाँ पे कुछ आपको नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ये देखिए हमने पट्टी लगा लिया है, चलिए इसे हल्का सा सेव कर दें, ताकि जो मार्जिंग बची हुई है वो ऊपर की तरफ दिखे नहीं। ये देखिए शेप कर लीजिए। इसे हम इस तरीके से पलटने वाले हैं। ये देखिए येलो कलर का, चलिए इसकी छोटे छोटे कटिंग कर लेते हैं, तकरीबन 1.5 इंच स्क्वायर की, यानी कि दोनों साइड 1.5 इंच का स्क्वायर होना चाहिए। यह हमने काटना शुरू किया, देख सकते हैं आप। इसे हम स्क्वायर काट लेंगे।
ये देखिए, और इसे इस तरीके से हम फिट करने वाले हैं ऊपर की साइड। ये देखिए, आप आराम से देखिए, हम दो आपको करके बता रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी। ये देखिए, बहुत इजी, बहुत ही आसान। ये देखिए, हमने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया है। इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में टाइम को बचाने के लिए आपका भी और हमारा भी। चलिए इसे फॉरवर्ड करके तेज़ी से अपना काम कर लेते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। ये देखिए, फटाफट सामने बना लिया। ये कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं आप। इस हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। ये एक जाली है जो हमने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया था, इसे हम यहाँ पे हाफ लगाने वाले हैं डिज़ाइन के लिए। इसे चौक से हमने निशान लगा दिया था, इसी एंगल से हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमने डबल करके कटिंग कर दिया। चलिए इस पे ब्लू कलर की हम पट्टी लगा देते हैं उल्टे साइड से। ये देखिए, उल्टे साइड से हमने लगा दिया है और फिर इसे पलट कर हम सीधी साइड से इसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये स्टिच हो गया। चलिए अब इसे हाफ में हम लगा देते हैं। पहले हम दोनों को जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, हम निशान लगा देंगे पहले ताकि जाली बराबर बैठे दोनों साइड। ये देखिए, इससे पहले हम इसे गले को जोड़ देंगे। दोनों साइड बराबर होने चाहिए तब ये खूबसूरत लगेगी। ये देखिए, ये देखिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। चलिए अंदर के जितने वायर मार्जिंग है उसे हम शेप कर देते हैं। ये हम सिंपल सा डिज़ाइन इसलिए बनाते हैं ताकि सभी को ये समझ में आए और कम मेहनत में अच्छा डिज़ाइन बन जाए। चलिए, ये बटन्स हैं, ये आप मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इसे हम चार बटन्स लगाने वाले हैं, एक यहाँ
और तीन बीच में, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसानी से नेकलाइन तैयार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें, और जाइए और आप भी बनाइए ये खूबसूरत ब्लाउज नेकलाइन। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।